नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलम। वेलकम टू मॉम की डायरी। आज के इस वीडियो में मैं आपसे 15 ऐसी बेसिक चीज़ें शेयर करने वाली हूँ जो कि सर्दियों के सीज़न में आपके लिए मस्ट हैव्स हैं अगर आपके घर में एक बेबी या फिर छोटा बच्चा है। तो इन चीज़ों में से आपने अगर कोई चीज़ अभी तक नहीं खरीदी है तो उसे अभी खरीद के ले आइए। मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ टेबल पे लाइनअप कर ली है, एक एक करके मैं आपको दिखाने वाली हूँ और साथ ही साथ मैं आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी देने वाली हूँ कि जब आप मार्केट में इन चीज़ों को खरीदने जाएंगे तो आपको बेसिकली किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि कई बार होता ये है कि हम मार्केट से चीज़ तो ले आते हैं अपने बेबी के लिए, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ डिज़ाइन गड़बड़ होता है और हमें पता नहीं होता कि किन चीज़ों का बेसिकली हमें ध्यान रखना चाहिए था। फर्स्ट टाइम पेरेंट के साथ ज़्यादातर ऐसा होता है, तो वो चीज़ों का हम ध्यान नहीं रखते और फिर वो चीज़ हमारे बेबी के काम नहीं आती, वेस्ट हो जाती है, पैसा वेस्ट हो जाता है। तो इसीलिए ये टिप्स और ट्रिक्स आप ध्यान से सुनिए। जो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं मेरे पर्सनल पेरेंटिंग एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, क्योंकि अभी विवान की दूसरी सर्दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की कि ये कौन कौन सी इसेंशियल मस्ट हैव चीज़ें हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है थर्मल्स। थर्मल्स खरीदते वक्त आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला कि जो थर्मल्स है उसका जो कपड़े की क्वालिटी है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रीमियम होनी चाहिए, क्योंकि थर्मल्स बेबी की बॉडी के कॉन्टैक्ट में पहला लेयर है, तो इसीलिए बहुत ही अल्ट्रा कंफर्टेबल होना चाहिए। चाहे थोड़ा सा आप इसको महंगा भी खरीद लें तो चलेगा, क्योंकि थर्मल पहनने से क्या होता है कि ऊपर जो बेबी को लेयर पहनाने पड़ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं। कई बार भीषण सर्दी में भी सिर्फ दो लेयर से बेबीज़ का काम चल जाता है। दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि थर्मल जो होना चाहिए वो फ्रंट ओपन होना चाहिए, इस तरह के आगे से बटन होने चाहिए, इस तरीके का नहीं होना चाहिए राउंड नेक। क्योंकि राउंड नेक पहनाते वक्त अगर 2 साल से कम का बच्चा है तो उसे बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, बहुत ज़्यादा वो रोता है, जो कि पेरेंट्स देख नहीं पाते हैं। तो ये वाला जो डिज़ाइन है ये सबसे बेस्ट है बच्चे को पहनाने के लिए। अगर बच्चा 2 साल से छोटा है तो बहुत ही ईजीली ये पहनाया जा सकता है। इसी के साथ ये तो दोनों अपर हैं, आपको लोअर भी लेने हैं, तो 3-4 सेट्स थर्मल्स आप अभी से ले लीजिए। दूसरी जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है विंटर्स के लिए वो है सॉक्स एंड शूज़। सॉक्स खरीदते वक्त भी आपको ये ध्यान रखना है कि सॉक्स का कपड़ा बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बेबी उसको पैरों में रखता नहीं है। जो सॉक्स का कपड़ा है बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और जितना ज़्यादा फाइन हो सके, चाहे बेशक महंगी हो लेकिन आप फाइन सॉक्सेस ही उसको लीजिए। सॉक्सेस आपको 7 से 8 पेयर लेने चाहिए, क्योंकि सर्दियों में ऑल द टाइम बेबी को सॉक्सेस में रखना है, ऑल द टाइम उसके जो पैर है सॉक्स में कवर होने चाहिए। तो जो बेबी घूमते फिरते हैं उनकी सॉक्सेस बहुत जल्दी गंदी हो जाती हैं, तो 7-8 सॉक्सेस के पेयर अगर आपके पास होंगे तो एक धो दीजिए, फिर वो सूख जाएगा। तो इस तरीके से वो सारे ही यूज़ हो जाएंगे आपकी एक ही सर्दी में। जो बच्चे छोटे हैं, अभी तक मोबाइल नहीं हुए, अभी तक चलना फिरना उन्होंने शुरू नहीं किया, उनके लिए आप वूलन मिटन्स ले सकते हैं। दूसरी जो चीज़ है यहाँ पे है शूज़। शूज़ भी अगर बच्चा चल रहा है तो आपको 2-3 पेयर ऑफ शूज़ लेने पड़ेंगे। शूज़ खरीदते वक्त आपको ध्यान रखना है कि शूज़ बहुत हैवी नहीं होने चाहिए, उनको आप फील करके देख सकते हो कि उसका टोटल वेट कितना है। अगर शूज़ बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं तो बच्चा उनको बिल्कुल नहीं रखता, उतार उतार के फेंक देता है। तो शूज़ का जो मटेरियल है वो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए। और अगर बच्चे छोटे हैं तो उनको भी आप कपड़े के वेलक्रो क्लोजर वाले शूज़ आते हैं वो लेकर आप उनको पहना के रख सकते हैं, सर्दियों से प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है वो है कैप। कैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार सर और कान के रास्ते बच्चों को सर्दी अंदर बैठ जाती है। तो कैप्स आप अलग अलग डिज़ाइंस की ले सकते हैं। अगेन कैप में ये प्रॉब्लम होती है कि बच्चा रखता नहीं है, तो अगेन जो मटेरियल है कैप का वो बिल्कुल लाइट वेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए। और सेकेंड चीज़ है कि उसका जो फिट है वो ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए या फिर ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट फिट का होना चाहिए। तो जब आप कैप लेने जाएं तो अपने बेबी को साथ लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छी कैप खरीद के लाई जा सकती है। तो ये मैंने एक रिसेंटली विवान के लिए कैप ली है। विवान के पास ऑलमोस्ट 4-5 कैप अभी हो गई हैं, ये सिक्किम से ही लिए है हमने एनिमल कैप। तो इस तरह की कैप या फिर सिंपल कैप ले सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि वो एक तो उसका कवरेज पूरा हो और बहुत ज़्यादा भारी ना हो। चौथी जो चीज़ है वो है जैकेट। जैकेट में अगेन आपको 2-3 अच्छी जैकेट्स में इन्वेस्ट करना है। अगेन जैकेट में ध्यान रखना है कि मटेरियल हैवी नहीं होना चाहिए, और जो बाजू हैं इसकी ये ज़रूर ध्यान रख लीजिए। कई बच्चों में ये जो बाजू होती है ये फंसती नहीं है, तो बच्चा अगेन बहुत ज़्यादा रोता है। तो ये बाजू जो है ये इतने अच्छे डिज़ाइन की होनी चाहिए कि आराम से इसमें चली जाए बच्चे का जो हैंड है।
एक मैंने जैकेट ली है डार्क ब्लू कलर की है, वो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा रही हूँ, तो उसमें यही प्रॉब्लम होती है कि उसकी बाजू फंसाते वक्त विवान बहुत ज़्यादा रोता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रख लीजिए कि जो जैकेट आप जब बेबी को पहनाएंगे तो बहुत कंफर्टेबली वो पहन ले। अगेन फ्रंट ओपन जैकेट ही बहुत सही रहेंगी और हुडी ज़रूर हो। वैसे तो बेबी कैप भी पहनेगा लेकिन अगर हुडी भी होगा तो डबल प्रोटेक्शन उसके लिए हो जाएगी। तो जैकेट अगेन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दो तीन जैकेट्स काफ़ी हैं। जब भी बच्चा बाहर जाता है, उसको कहीं बाहर लेकर जाते हो तो ही इनका काम ज़्यादा पड़ता है। नेक्स्ट जो चीज़ है जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है वो है अच्छा नाइट सूट। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि रात के समय पे जो बच्चे के लेयर्स हैं वो उतर जाएंगे। रात के समय पे बच्चा एकदम कंफर्टेबल क्लोथिंग में आना चाहिए। थर्मल्स में भी उसे मत सुलाइए क्योंकि थर्मल्स में भी वो अनकंफर्टेबल होता है। तो रात के टाइम के लिए आपके पास होना चाहिए बहुत ही कंफर्टेबल अल्ट्रा सॉफ्ट नाइट सूट। तीन चार पेयर आप ले सकते हैं। और ये जो नाइट सूट है ये प्योर कॉटन का नहीं है, ये मिक्स्ड मटेरियल है, तो ये भी थोड़ा बहुत सर्दी से बचाता है और ऊपर से ब्लैंकेट हो जाएगा। तो तीन चार नाइट सूट विंटर्स के लिए बहुत ही रिक्वायर्ड है। मैं बिल्कुल भी आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि जो स्वेटर टी शर्ट या फिर थर्मल्स पहन के बच्चा सो रहा है वही आप उसे रात में पहनाइए। रात में आपको कपड़े चेंज करने पड़ेंगे, रात में आपको मिक्स मटेरियल के कॉटन या पॉलिएस्टर मिक्स मटेरियल के आपको कंफर्टेबल क्लोथ्स ले लेने चाहिए। अगली जो चीज़ है वो है डिस्पोजेबल डायपर्स। अगेन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन रहता है कि कपड़े के डायपर्स यूज़ करें या फिर हम डिस्पोजेबल डायपर यूज़ करें। देखिए सर्दी में बच्चे की एक तो सूसू ज़्यादा आता है तो जल्दी जल्दी वेट होता है डायपर, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डिस्पोजेबल डायपर ही यूज़ करें क्योंकि डिस्पोजेबल डायपर की जो एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है। कपड़े का डायपर अगर आप यूज़ करेंगे तो हर रात बच्चा रोएगा क्योंकि उसमें बहुत जल्दी गीलापन फील होने लग जाता है। डिस्पोजेबल डायपर को आपको बाहर सुखाना पड़ता है, धो के तो उसको सूखने में भी टाइम लगता है। तो सर्दियों के टाइम पे सुबह शाम डिस्पोजेबल डायपर्स ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। समर्स में आप बेशक कपड़े के डायपर्स चूज़ कर सकते हैं लेकिन विंटर्स में मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि 24 घंटे आप डिस्पोजेबल डायपर्स ही यूज़ करें। अगली जो चीज़ है ये बहुत बड़ा डब्बा है, ये विवान की दादी ने अभी बहुत सारा बनाया है उसके लिए क्योंकि विंटर शुरुआत होने वाली है। तो ये है ड्राई फ्रूट पाउडर। इसमें काजू, पिस्ता, बादाम, अखरोट, मखाना और भी जो उन्होंने ड्राई फ्रूट्स उनको मिले होंगे उन्होंने ही बनाया है ये। तो अगर आपको पता नहीं है कि ड्राई फ्रूट्स पाउडर कैसे बनता है तो इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पे है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है विंटर्स में। विंटर्स में आप इसे डेली अपने बच्चे के किसी भी मील में मिला के 1 टीस्पून ज़रूर दीजिए क्योंकि ये एक तो बच्चे को वार्म रखता है और दूसरा उसकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये सारा जो ड्राई फ्रूट पाउडर है ये सब विवान के लिए ही है। अगली जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो है विक्स बेबी रब। तो जब भी बच्चे की थोड़ी बहुत नाक अगर थोड़ी थोड़ी सूं सूं करने लग जाता है, थोड़ी सी जस्ट सर्दी की जब शुरुआत होती है, तो रात को सोते वक्त ये अगर आप उसके हाथों में, पैरों में, चेस्ट में और बैक में मालिश कर देंगे तो उसको काफ़ी ज़्यादा आराम हो जाएगा। तो बीमारी जैसे ही शुरुआत हुई है वहीं पर उसकी रोकथाम हो जाएगी। तो अगर आपका छोटा बेबी है तो ये ज़रूर उसके लिए रखिए। ये 3 मंथ से ऊपर आप बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर बच्चे को सर्दी हो जाती है लेकिन वो 3 मंथ से कम है तो उसे डॉक्टर के पास ही लेके जाइए। अगली जो चीज़ है अगेन बहुत ज़रूरी है, एक थर्मामीटर। अक्सर बच्चे को विंटर में क्या होता है कि फीवरिश वगैरह हो जाता है तो हमें अल्टीमेटली पता नहीं चलता कि इसको फीवर है या नहीं है। तो उन टाइम्स के लिए ये थर्मामीटर आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आजकल इसी तरह के थर्मामीटर्स मार्केट में आ रहे हैं जो कि डिजिटल थर्मामीटर हैं, तो इसके द्वारा आप बच्चे का टेम्परेचर चेक कर लीजिए। अगर वो 101 से ऊपर है तो आपको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, और अगर उससे थोड़ा सा कम है तो आप थोड़ा बहुत घर में मैनेज कर सकते हैं। घर में बुखार को कैसे मैनेज करना है इस पर भी मैंने अगेन एक वीडियो बनाया हुआ है, तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। अगली जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी लोशन, क्योंकि सर्दियों में बच्चे की जो स्किन होती है वो ड्राई होने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए नहाने के बाद बेबी लोशन को बच्चे के पूरे शरीर पे लगाइए। तो उससे उसकी स्किन में मॉइस्चर बना रहेगा और उसकी स्किन जो है सॉफ्ट रहेगी। अगेन नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बेबी क्रीम। अब ये जो बेबी लोशन है इसको हम बेबी के फेस पे नहीं लगा सकते, और आपने देखा ही होगा कि सर्दियों में बच्चे के गाल वगैरह यहाँ से फटने शुरू हो जाते हैं, बहुत रूखे रूखे हो जाते हैं। तो इसीलिए नहाने के बाद फेस के लिए बेबी क्रीम होना आपके पास ज़रूरी है। मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ वो हिमालय के यूज़ किए हैं मैंने अभी तक,
तो जो भी प्रोडक्ट्स अगर आपको लिंक चाहिए उनका, तो वो नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैंने विवान के आज तक जो भी चीज़ें यूज़ करी है उन सभी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसे बाय भी कर सकते हैं। उसके बाद जो चीज़ आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए वो है मसाज ऑयल। तो मैंने यहाँ पे जॉनसन बेबी ऑयल, इस बार मैंने सोचा कि दूसरा ऑयल ट्राई करती हूँ। इससे पहले मैं हिमालय का ही बेबी मसाज ऑयल यूज़ कर रही थी, तो इस बार हम बिग बाज़ार गए थे बट वहाँ पे हिमालय का ऑयल नहीं मिला, तो हम ये वाला ऑयल लेकर आए हैं। इसकी भी स्मेल बहुत अच्छी है, बॉडी पे बहुत लाइट वेट है, तो आप ये ले सकते हैं या फिर आप हिमालय का बेबी मसाज ऑयल भी ले सकते हैं। सर्दियों के सीज़न में क्या होता है, हम बहुत इनएक्टिव हो जाते हैं, तो मसाज बेबी के ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करता है और इसी वजह से बेबी वार्म रहता है, बेबी एक्टिव रहता है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगली जो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो है मिल्टन का थर्मोस्टील है, ये हॉट वाटर फ्लास्क है, इसमें कोई भी चीज़ डालने से गर्म रहती है। तो अगर बच्चे का दूध है वो आप रख सकते हैं इसमें, जो 1 ईयर से ऊपर है उनका काऊ मिल्क आप रख सकते हैं ताकि वो काफ़ी देर तक गर्म रहे। कई बार होता है क्या है कि हम दूध तो गर्म कर देते हैं बट बच्चा उसी समय पीता नहीं है तो वो ठंडा हो जाता है, तो उसको आपको बार बार गर्म करना पड़ता है। इसीलिए एक बार गर्म करके आप इसमें रख सकते हैं और जब बच्चे को रिक्वायर्ड हो तब आप उसे डाल के दे सकते हैं। अगर बच्चा फॉर्मूला मिल्क पे है तो आप इसमें अगेन ल्यूकवॉर्म वाटर रख सकते हैं, गुनगुना पानी रख सकते हैं, जब भी बच्चे को ज़रूरत हो पानी मिलाया, पाउडर मिलाया और उसका मिल्क बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है विंटर्स में, क्योंकि कोई भी चीज़ बाहर रखते हैं तो हम बहुत ही जल्दी वो ठंडी हो जाती है। अगली जो चीज़ है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो एक वार्म कोजी ब्लैंकेट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब रात को आप बेबी को सुलाएंगे तो नाइट सूट में ही सुलाएंगे, कोई वार्म कपड़े उसके ऊपर नहीं होंगे, तो बहुत ज़रूरी है कि एक वार्म सा ब्लैंकेट आप उसके लिए ला के रखें जिसमें कि वो वार्म रहे। अगेन ब्लैंकेट खरीदते वक्त भी आपको ध्यान रखना है कि ब्लैंकेट लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि ब्लैंकेट बेबी की बॉडी के ऊपर रहेगा तो बहुत ज़्यादा भारी नहीं होना चाहिए, वरना वो बच्चा अगेन उसको रखेगा नहीं। तो कोई भी चीज़ आप बच्चे के लिए ले रहे हैं वो लाइट वेट ही होनी चाहिए, लेकिन वो वार्म्थ उतनी ही प्रोवाइड करनी चाहिए। तो ऐसे डिज़ाइंस मार्केट में बहुत सारे हैं, लेकिन वही है कि थोड़े से वो कॉस्टली आते हैं, लेकिन इन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना तो बिल्कुल बनता है अगर आपको बेबी की सेफ्टी इंश्योर करवानी है। तो ब्लैंकेट जो है आप अपने ब्लैंकेट में भी बेबी को ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डर लगता है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब गहरी नींद में सो जाते हैं, कई बार हमें नींद में पता नहीं चलता तो हम बेबी के पैर पे या हाथ पे अपना बॉडी पार्ट टेकने का डर रहता है, ऐसा काफ़ी इंसिडेंट्स होते हैं, मेरे साथ ऐसा नहीं होता ऑल्दो, तो विवान मेरे ही ब्लैंकेट में सोता है, लेकिन अगर आपको इस तरह का डर है तो आप बेबी के लिए स्पेशल अलग ब्लैंकेट ले सकते हैं जो कि आप उसकी कॉट में डाल देंगे। और लास्ट जो चीज़ है वो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वो है रूम हीटर। रूम हीटर दो तरह के हैं, एक है ऑयल हीटर और एक है इलेक्ट्रिक हीटर। आप चाहें तो ऑयल हीटर ले लीजिए, आप चाहें तो इलेक्ट्रिक हीटर ले लीजिए, मेरे पास दोनों ही हैं, लेकिन रिसेंटली हमारा ऑयल हीटर ख़राब हो गया। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि ऑयल हीटर जो होता है वो रूम की ह्यूमिडिटी को कम नहीं करता, और ह्यूमिडिटी जब कम नहीं होती तो आपको जैसे ड्राई ड्राई फील होता है, जैसे यहाँ पे माउथ ड्राई फील हो, होट ड्राई फील हो, प्यास लगे, दैट मीन्स कि रूम की ह्यूमिडिटी कम हो रही है। वो इलेक्ट्रिक हीटर ह्यूमिडिटी को कम कर देता है। तो बच्चों में जब रूम की ह्यूमिडिटी कम हो जाती है तो बच्चे का जो यहाँ नाक वगैरह बिल्कुल ड्राई हो जाती है और बहुत इरिटेबल बच्चा हो जाता है, तो बच्चों के लिए ऑयल हीटर रिकमेंडेड है। लेकिन अगर आपके पास इलेक्ट्रिक हीटर है तो आपको क्या करना है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि रूम में एक दूसरे कोने में एक पतीला पानी का भर के रख दीजिए। उससे क्या होगा कि इलेक्ट्रिक हीटर एक कोने में चल रहा है लेकिन पानी भी इवोपरेट होता जा रहा है, और इवोपरेट होके पानी ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर लेगा। तो ये थी सारी 15 चीज़ें जो कि आपकी विंटर की इसेंशियल चेकलिस्ट में होनी चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ अभी तक नहीं खरीदी है तो खरीद लीजिए, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मेरा हैंडल है मॉम की डायरी। एंड एक और हेल्पफुल वीडियो के साथ मैं फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।